हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका इस एक्सरसाइज का, वो कहता है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको इस क्वेश्चन पूछ रहा कि जी एक्स जो है इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब क्या है? यहाँ पे आपका दो पॉलिनोमियल दे रखा है। एक पॉलिनोमियल आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपका दे रखा पी एक्स दे रखा है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 2x - 1, ये आपका दे रखा। और इसी में आपका दे रखा जी एक्स जो है वो आपका दे रखा x+1। तो आपको बताना है कि क्या यह जी एक्स जो है, ये वाला जो है जी एक्स, यह इस पी एक्स का फैक्टर है। देखिए हम क्या कहेंगे, अगर हम कहे कि कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स हमें दिया हुआ है और अगर कहता है कि x - a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, कब? जब p और a की वैल्यू जो है हमारा यहां पे क्या हो, p a की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। p a की वैल्यू हम कहां से निकालते हैं, यहां से। हम x की जगह जो है इसमें x की जगह हम इस वैल्यू a को पुट कर दे, मतलब यहां पे ध्यान से देखिए क्या है हमारा, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो x - a की जगह हम यहां पे क्या ले रहे हैं, x+a, मतलब आपका a क्या होगा, a यहां पे -1 होगा। मतलब क्या है कि p-1 की वैल्यू अगर 0 आ जाए, p-1 की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि x+1 जो है इस px, मतलब px का फैक्टर होगा। हम ऐसा इस प्रिंसिपल पे कहेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो हमने कहा x = -1। अब ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, p में। तो हमने कहा p - 1 = यहां पे क्या हमारा 2 - -1³ प्लस -1² 2 - 1 - 1, यहां पे क्या होगा 2, -, प्लस और प्लस माइनस -1, यहां पे होगा प्लस, यहां पे क्या होगा -1, -+2 और -1। यहां पे देखिए -2 + 1 +2 -1, ये आपका आएगा -3, ये हो जाएगा +3, इसको आप सॉल्व करोगे आएगा 0। तो यहां पे आपका क्या आ गया, p-1 की वैल्यू 0 आ गया। मतलब यहां पे यही तो था कंडीशन कि अगर p a की वैल्यू 0 है तो x - a इस px का फैक्टर होगा। मतलब यहां पे p-1 का वैल्यू 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि x + 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px, और x - 1 आपका क्या है, gx है। तो हम क्या कहेंगे, gx is a factor of px। बहुत ही सिंपल है इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बस हर एक क्वेश्चन में आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या हमारा कहता है, इसी क्वेश्चन में यही एक्सरसाइज का जो आपका दूसरा पॉइंट है वो उसमें आपका px दे रखा है, और px जो है वो दे रखा x³ +3x² + 3x + 1, यह आपका px है। और इस px के लिए gx दे रखा है आपका x+2। तो आप क्या कहोगे, वही वाली सेम प्रोसेस x+2, तो x = -2। अब यहां पे क्या करोगे आप, p-2 पुट करोगे तो क्या आएगा, -2³ + 3 - 2²
प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन, ये आपका क्या आएगा माइनस एट, यह आएगा थ्री इंटू फोर, यह आएगा सिक्स प्लस वन, यह क्या आएगा माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन, तो ये क्या आएगा आपका एट और छः आठ, आठ छः क्या होता है आपका फोर्टीन माइनस का, और ये हो जाएगा आपका थर्टीन, यहां पे क्या आएगा आपका माइनस वन आया। तो यहां पे आपका क्या आया p माइनस टू जो है वो जीरो नहीं आया। तो अगर p माइनस टू जीरो नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस टू जो है इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ध्यान से देखिए x प्लस टू क्या है आपका, x प्लस टू जी एक्स है, तो हम क्या कहेंगे कि जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, इसमें भी कोई आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन, जैसा कि आपने अभी दो क्वेश्चन देखा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ मूव करते हैं, तीन में देखते हैं कि क्या है, मतलब तीसरा पार्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट। हम इस चैनल पे आपके पास साथ एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में आपका पी एक्स दे रखा है, पी एक्स दे रखा है आपका एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सिक्स, और इसका जो है आपका जी एक्स दे रखा है एक्स माइनस थ्री। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है आपका, इसमें भी कोई आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि आप आराम से यहां से क्या करोगे x की वैल्यू, x जो आपका है यहां पे x माइनस थ्री से आप x की वैल्यू निकालो, और उस x की वैल्यू को आप कहां पुट करोगे px में आप पुट कर लो, और जितना आपका आंसर आएगा अगर जीरो आता है तो आप क्या कर दोगे कि यह जो आपका x माइनस थ्री है वो x माइनस थ्री वो आपका px का फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता है तो क्या कहोगे कि यह इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यह भी आपका सिंपली है, बहुत आसान है। देखिए इसके चारों क्वेश्चन आपके मतलब इस तीनों फैक्टर आपके बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप जीरो रखेंगे और हम जीरो रख के क्या कह रहे हैं कि x माइनस थ्री, तो x इक्वल टू क्या होगा आपका थ्री। इस थ्री को आप क्या करोगे इसमें पुट करोगे p3 को पुट करोगे तो क्या आएगा आपका थ्री क्यूब माइनस फोर थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा 4 इंटू नाइन, और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 10, और ये 6 × 3 = 9, तो आपका ये भी 36, ये भी 36, ये दोनों आपके 36 जीरो हो गए। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया P3 की वैल्यू आपकी जीरो आ गया, मतलब आप क्या कहोगे कि x माइनस थ्री जो है इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और x माइनस थ्री क्या है जी एक्स है, तो हम क्या कहेंगे कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसका पार्ट नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ओके, तो इसमें आपका तीन क्वेश्चन थे, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि आपका थ्री है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो आपका कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन is a factor, is a factor of
पी एक्स। ठीक, हमें बताना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x माइनस वन जो है वह पी एक्स का फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका पी एक्स दे रखा, वो दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के। देखिए यहां पे क्या दे रहा है, एक्स माइनस वन, इस पी एक्स का एक्स माइनस वन क्या है, इस पी एक्स का फैक्टर है। अगर हम एक्स माइनस वन ये पी एक्स का फैक्टर है तो एक्स ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जहां पे ए क्या है, ए आपका जो है वन है। तो हम क्या कहेंगे, पी वन की वैल्यू अगर जीरो होती होगी तभी यह x माइनस वन फैक्टर होगा। अब देखिए, अब यहां पे p1 की वैल्यू अगर जीरो रखते तो कहां, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपका वन आ जाएगा। तो हमने कहा वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के, यहां पे ये तो जीरो है, ये आपका वन प्लस के, ये हो जाएगा जीरो, ये आएगा आपका टू प्लस के, तो k इक्वल टू क्या आएगा आपका टू, और भी किसका, माइनस का। कोई इसमें भी डिफिकल्ट नहीं आपका ये भी पोर्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पी एक्स क्या दे रखा, सेकेंड पी एक्स आपका दे रखा है कि के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। बहुत सिंपल, यहां भी आप क्या करोगे, पी वन पुट कर दोगे। अगर पी वन जीरो आना चाहिए तो हम क्या कहेंगे, पी वन, तो यहां पे क्या होगा, वन इंटू मतलब के इंटू वन स्क्वायर रूट अंडर टू वन और प्लस वन, ये हो जाएगा जीरो, ये आपका आएगा के, ये आएगा टू रूट अंडर प्लस वन। अगर हम के की वैल्यू ले तो ये माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस रूट टू, और ये माइनस हो जाएगा तो आपकी के की वैल्यू क्या आई, रूट अंडर टू माइनस वन। ओके, ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड पी एक्स क्या दे रखा, थर्ड पी एक्स आपका दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस रूट टू। ठीक, वही सेम प्रोसीजर, पी वन वैल्यू रखिए, ये जीरो होनी चाहिए, तो पी वन इक्वल टू टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के वन प्लस रूट टू, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा रूट टू। तो अगर हम के की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा आपका, के की वैल्यू आपकी आएगी यहां पे माइनस टू माइनस रूट टू। अब हम क्या कहेंगे, यहां पे माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस वन, तो क्या आएगा टू प्लस रूट टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, फोर पी एक्स क्या दे रखा, फोर का पी एक्स है के एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का के। यहां पे भी सेम प्रोसीजर, यहां पे क्या आएगा, वन स्क्वायर थ्री इंटू वन प्लस के, जीरो के थ्री प्लस के, यहां पे क्या आएगा जीरो टू के माइनस थ्री, तो टू के क्या आएगा आपका, टू के इक्वल टू थ्री, तो के इक्वल टू क्या आएगा थ्री बाई टू, इस थ्री को उठा के इधर ले गए हैं, तो ये आपका आ गया के इक्वल टू थ्री बाई टू। तो यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड के चार पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट था सॉरी। तो जहां पे आपके के निकालने थे, क्या दे रखा था कि x माइनस वन जो है यह फैक्टर है एक पी एक्स का, जहां पे यहां पे आपका पी एक्स पी एक्स सबका दे रखा था। हमने क्या किया, x माइनस वन से x की जगह एक, हर में जहां जहां भी जो जो आपका पी एक्स दे रखा था उस सारे पी एक्स में आपने x की जगह एक वन वैल्यू पुट की और k की वैल्यू आप इजिली फाइंड कर लिए हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।